दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं मैं एक बहुत बड़ी योजना के बारे में, जिस योजना को जानकर आप बेहद खुश होंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश की ही नहीं किसी भी राज्य के निवासी हैं तो आप सरकार के द्वारा मुफ्त में सिलाई मशीन योजना का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा हर राज्य की 50,000 महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन दिए जाने की बात कही गई है। निवेदन करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इस योजना के तहत आप फ्री में सिलाई मशीन पा सकते हैं, आपको एक रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना 2022 के तहत 20 से 40 साल की उम्र की महिलाओं को सिलाई मशीन लेने के लिए एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। पीएम फ्री सिलाई मशीन योजना 2022 क्या है, योजना से महिलाओं को क्या फ़ायदा होने वाला है और 20 से 40 साल की महिलाओं को किस तरीके से फ्री मशीन सरकार के द्वारा दी जानी है, तो दोस्तों वीडियो को हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना 2022 के तहत महिलाओं को बस एक आवेदन करने की ज़रूरत है। ये योजना हर एक राज्य की 50,000 महिलाओं की सुविधा के लिए बनाई गई है। महिलाओं को देगी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का मौका। प्रधानमंत्री फ्री सिलाई योजना देश की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का मौका देगी। भारत की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अच्छा कदम साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री फ्री सिलाई योजना 2022 के तहत 20 से 40 साल की उम्र की महिलाओं को सिलाई मशीन लेने के लिए एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों किस तरीके से सरकार आपको मुफ्त में सिलाई मशीन देने जा रही है, इस चीज़ को भी हम लोग जान लेते हैं। और इतना ही नहीं, कई सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे, तो निवेदन करता हूँ आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इस योजना के अंतर्गत गाँव और शहर की महिलाएँ शामिल हैं। इस योजना का फ़ायदा उठाने के लिए आपको आधार कार्ड, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज का फोटो, विकलांगों के लिए विशिष्ट विकलांगता आईडी कार्ड और विधवाओं के लिए विधवा प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। वीडियो के अंत में बताऊंगा किन महिलाओं को वरीयता मिलेगी, तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों वीडियो के अंत में बताऊंगा कैसे आपको आवेदन भी करना है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आपको आवेदन करना है। सबसे पहले आपको आपके उनकी आधिकारिक वेबसाइट www.india.gov.in पर जाना होगा। होम पेज पर सिलाई की फ्री सप्लाई के लिए आवेदन पत्र के लिंक पर क्लिक करें। आवेदन पत्र के पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लें। इसके बाद उसमें अपनी डिटेल्स दर्ज करें। आखिर में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना होगा। आवेदन पत्र की जाँच भी सरकार के द्वारा की जाएगी कि आने वाले समय में जिन महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन दी जा रही है क्या वो इस योजना के पात्र हैं या नहीं। आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद कार्यालय अधिकारी के द्वारा आपके पत्र की जांच एग्जामिन की जाएगी। जांच के बाद आपको मुफ्त सिलाई मशीन दे दी जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरीके से आने वाले समय में केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री फ्री सिलाई योजना का लाभ हर राज्य की 50,000 महिलाओं को मुफ्त में दिया जाना है। दोस्तों जो भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं या विधवा औरतें हैं या फिर आप विकलांग औरतें हैं, इन लोगों को प्रधानमंत्री फ्री सिलाई योजना 2022 में वरीयता दी जाएगी। यानी अगर आप लोग इस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो आप इस योजना को बड़े आसानी से ले सकते हैं। निवेदन करता हूं अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल पर मैं इस तरीके की वीडियो लेके आता रहता हूं। निवेदन करता हूं चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को अपने सभी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो का लाभ आपके सभी दोस्तों के पास भी पहुँच सके। वीडियो का अंदर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।